इससे रिकवरी जो है वो काफी फास्ट हो गई। बहुत सारे पेशेंट को हमने रिचबेरी और सिबकथ्रोन का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जिससे हमने पाया है कि फोर्थ स्टेज वाले जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं वो भी अभी तीसरे स्टेज पे चले गए हैं, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। उसकी वजह ये है कि हम अगर रिचबेरी के अंदर ये उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो तीन डिपार्टमेंट के अंदर उसकी उसके इंग्रेडिएंट्स को हम बायफर्केट कर सकते हैं। पहला है मिनरल्स, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट और तीसरा है प्रोटीन विद सल्फर। अभी डॉक्टर बडविग ने 1942 में, जर्मन डॉक्टर है, उन्होंने कैंसर को खान पान और सप्लीमेंट से कैसे ठीक किया जाता है उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। तो उनके रिसर्च में ऐसा पाया गया कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के साथ सल्फर युक्त प्रोटीन को प्लस करते हैं तो कैंसर को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है बॉडी को एसिडिटी से दूर भगाती है और दूसरी चीज है सेल को रिजुविनेशन करती है। तो ये स्पेशली रिचबेरी के ऊपर लिखा ही है कि ये कैंसर से आपको बचाएगी, और दूसरा सेल को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथन देगी, तीसरा सेल्युलर म्यूटेशन को कम करेगी, वो भी एक कैंसर की जो प्रक्रिया होती है उनके सेल को बढ़ने की, उसको सेल्युलर म्यूटेशन कहते हैं। तो सेल्युलर म्यूटेशन को भी ये प्रोडक्ट कंट्रोल करती है। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारी कंपनियां क्या करती है सर, इंग्रेडिएंट का लिस्ट देख के वो भी लिख देती है, मगर उसमें होता कुछ नहीं है, दो चार प्रोडक्ट का ही इंग्रेडिएंट होता है ताकि हम ले लेके कैंसर वाला पेशेंट ले लेके थक जाता है, मगर फिर भी उसको इतनी रिकवरी मिलती नहीं है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वो साइंस पता ही नहीं है कि प्रोटीन युक्त सल्फर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, दोनों मिलेंगे तभी वो ब्लड में घुस पाएगा, ब्लड में घुसेगा तो वो सेल की ओर जल्दी से आगे बढ़ेगा। तो ये डेजो का जो प्रोडक्ट है ना सर, वो बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया है। उनको मालूम है कि ये प्रोडक्ट को किस डिसीज के अंदर हमें यूज करना है और कौन से इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वो उसके ऊपर रिकवर कर पाएगा।